गाइस, रेडमी ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है अपना रेडमी नोट 11T 5G। देखो, एक्चुअल में क्या है, वो एक इंटरेस्टिंग डिवाइस तो है क्योंकि वो एक 5G डिवाइस है, इसलिए हम सभी को वो एक अच्छा डिवाइस लग रहा है। अभी कोई भी फोन परचेस करने जाता है ना, तो हम लोगों का माइंड सेट है कि हमें जो है 5G फोन ही लेना है, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे कि हम 5G फोन यूज कर पाए। लेकिन आपको बता दूं, अभी कुछ टाइम लगेगा 5G को आने के लिए। लेकिन गाइस, अभी अगर हम कंपेयर करते हैं ना रेडमी नोट 10 प्रो से, तो मैं बोलना चाहूंगा स्टिल Redmi Note 10 Pro जो है बेटर है। गाइस, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। जब से ये फ़ोन लॉन्च हुआ है ना, मैंने अपना पर्सनल डेटा भी इसमें डाला है, और उसके बाद में जो है मैंने गेमिंग वगैरह भी किया है। तो मैंने यहाँ पे अभी ये देखा, सिर्फ 5G के नाम पे हमको जो है लूटा जा रहा है। मतलब Redmi या फिर जो भी ब्रांड अभी लॉन्च कर रहे हैं ना 5G डिवाइस, वो सिर्फ और सिर्फ 5G के नाम पे हमें लूट रहे हैं। क्योंकि एक 5G कैटेगरी का चिपसेट देख के जो है दूसरे चीज़ों में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मिल रहा है, जैसे कि डिस्प्ले आपको जो है लोअर मिल रहा है, एंड इसके अलावा जो है सभी जो परफॉर्मेंस है वो आपको लोअर देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक 5G को लेकर। सिर्फ 5G एक एडवांस पॉइंट है, अदरवाइज जो है सारे कॉन्फ़िगरेशन जो है लोअर है। गाइस, डिटेल में बात करने वाले हैं Redmi Note 11T वर्सेस Redmi Note 10 Pro, कौन सा डिवाइस बेटर है, Redmi Note 10 Pro बेटर है या फिर जो है Redmi Note 10T बेटर है, सब कुछ बताने वाले हैं गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो यार, सबसे पहले आपको बता दूं, यहां पर जो Redmi Note 10 Pro है ना, वो उसका जो प्राइस है, बेस वेरिएंट है 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, 17999 अभी जो इसका प्राइस है। और कुछ कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद में आपको 500 से 1000 रुपए का डिस्काउंट जो है कभी भी मिल जाता है। और गाइस, अगर हम बात करते हैं Redmi के नोट 11T जो कि आज ही लॉन्च हुआ है, उसका प्राइस रखा है 16999, उस पर इंट्रोडक्टरी ऑफर है 1000 रुपीज का, और जो है ICICI बैंक का ऑफर है। इंट्रोडक्टरी ऑफर को हम हटा देते हैं एक बार साइड में, तो इफेक्टिव कॉस्ट ICICI बैंक वाला जो डिस्काउंट है उसको हम कंसिडर करते हुए मानते हैं कि 15999 प्राइस है। मतलब अगर हम इसको बाद में परचेस करेंगे, अगर अभी परचेस करते हो तो आपको 14999 के ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आप बाद में परचेस करोगे तो 15999 में आपको ये फोन जो है देखने को मिलेगा। और 15999 वर्सेस 17999, तो गाइस मैं बोलूंगा कि ये जो है काफी बेटर डिवाइस है। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो ये है ग्लास बिल्ड जो कि परफॉर्मेंस में जो है एक अच्छा देता है, और लुक वाइज भी जो है अट्रैक्ट करता है। नो डाउट गाइस, मैं बोलना चाहूंगा कि Redmi Note 10 Pro का जो डिजाइन है ना, वो काफी बेटर है। और यहाँ पे प्रोटेक्शन यूज किया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5, जो कि काफी यूनिक है और काफी अच्छा है। मतलब वहां पर यूज किया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 फ्रंट साइड में, लेकिन यहाँ पर फ्रंट और बैक बोथ साइड में आपको जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको जो है देखने को मिलता है। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट डिजाइन की, तो Xiaomi के Redmi के फोन है तो आपको जो है दोनों में ही फ्रंट डिजाइन सेम मिलेगा। पंच होल स्क्रीन, दोनों का स्क्रीन साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 6.6 इंच का है Redmi का नोट 11T एंड 6.67 इंच का है Redmi का नोट 10 Pro। यहाँ पर अगर डिस्प्ले कंपेयर करते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा फर्क है, क्योंकि जो Redmi का Note 10 Pro है वहां पे आपको मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट, जो कि हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। नो डाउट काफी आपको अच्छा स्क्रीन देखने को मिलता है, 120Hz का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ Redmi Note 11T की, तो आपको मिलता है यहाँ पे IPS पैनल 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट। तो आपने देखा, पहले आपको डिस्प्ले में ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मिल रहा है अगर आप यहाँ पे 5G फोन लेते हैं तो, और साथ में जो है 120Hz और 90Hz का भी आपको जो है फर्क देखने को मिलेगा। और बात करते हैं गाइस यहाँ पे चिपसेट परफॉर्मेंस के बारे में, तो यूज किया गया है MediaTek का Dimensity 810 5G के लिए Redmi Note 11T के अंदर, और यहाँ पे आपको चिपसेट मिलता है Snapdragon 732G। अगर हम 5G चिपसेट को हटाते हैं तो 15,000 से 20,000 के बीच में जो है ना, सबसे अच्छा चिपसेट है Snapdragon 732G, 8nm पे काम करता है। Dimensity 810 जो है वो 6nm पे काम करता है, माइनर सा ही फर्क है। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में कंपेयर करते हैं तो कोई ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा सिवाय 5G कैटेगरी के। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा जो 732G चिपसेट है ना, वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। और गाइस, अगर हम बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो वहां पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा। अगर मैं Redmi Note 11T की बात करता हूं, तो आपको मिलता है वहां पे ड्यूल रियर कैमरा, मतलब सिर्फ और सिर्फ ड्यूल कैमरा 50MP के साथ में। और वहीं अगर मैं कंपैरिजन करता हूं Redmi Note 10 Pro से, तो मिलता है यहां पे 64MP का कैमरा। क्वालिटी परफॉर्मेंस, ये है Redmi Note 10 Pro की इमेजेस जो कि हम काफी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। नो डाउट काफी अच्छे आपको इमेजेस देखने को मिल जाती है, परफॉर्मेंस भी जो है काफी अच्छा देखने को मिलता है। वहीं है क्वाड कैमरा सेटअप, जो कि सेकेंडरी कैमरा है वो है 8MP के साथ में। मैक्रो लेंस भी दिया हुआ है, डेप्थ को कवर करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन आपको वहां पर जो है Redmi Note 11T के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको अल्ट्रा वाइड मिलेगा और प्राइमरी कैमरा मिलेगा 50MP के साथ में।
ना तो डेप्थ है और ना ही मैक्रो है। यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर जो है जरूर ऑप्टिमाइज किया गया है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आपको जो है यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। और वहीं बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, 13 MP का है रेडमी नोट 11T के अंदर एंड 16 MP का है रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर। तो गाइस काफी सारे कॉम्प्रोमाइज है, आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि 5G लेना है या फिर 4G लेना है। 4G अगर आप लेते हो ना तो भी आप जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं अगर हम बात करते हैं चार्जिंग आउटपुट एंड बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, तो 5000mAh की बैटरी है, वही सेम बैटरी आपको Redmi Note 11T के अंदर जो है देखने को मिलेगी। और वही 33W का फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलता है जो कि Redmi Note 10 Pro के अंदर है, और वही चार्जर आपको जो है Redmi Note 11T के अंदर जो है देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे जो एक कॉम्प्रोमाइजेस देखे ना, वो सिर्फ देखे 5G के कारण, और यहाँ पे 4G होने के बाद में जो है ना इतने सारे स्पेसिफिकेशन आपको जो है देखने को मिल देंगे। और जब ये 5G आ जाएगा इंडिया में तो उसके जो प्राइजेस है ना और भी कम हो जाएंगे, मतलब 5G चिपसेट के साथ में आपको जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप वहाँ पे फ़ोन चेंज करना चाहो तो मैं बोलना चाहूँगा कि यार आप अभी जो है 4G डिवाइस ही लो, ज़्यादा बेटर है। और गाइस वहीं अगर सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाता है, नो डाउट एक अच्छा परफॉर्मेंस है। तो गाइस यहाँ पे ये था मेरा ओपिनियन, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अभी आप 4G डिवाइस लो, जब आप 5G की आपको नीड हो, जब यहाँ पे फुल फ्लैश 5G इंडिया में चलने लगे, प्लान वगैरह को देखते हुए जो है अपने फ़ोन को आप चेंज करना, अदरवाइज जो है अभी जो है 4G डिवाइस ही बेटर है। तो गाइज ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके जरूर बताना क्या मानना है इस 4G एंड 5G के जंग के अंदर, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिसके आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज की वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलता है ऐसे किसी अगले वीडियो में।